इसमें जो लेसन 9 नंबर है फिजिक्स का 11, उसमें है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड्स। इसका मतलब ठोसों के यांत्रिक गुण। इसमें ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में पूरा बताया गया है कि ठोस किस प्रकार से प्रसारित होते हैं और किस प्रकार से उसमें प्रसार गुणांक लगता है, मतलब जो भी सिस्टम होगा वो सब के सब इसमें बताया गया है। जैसे कौन कौन चीज़, विरूपक बल के बारे में, प्रत्यानयन बल के बारे में, प्रत्यास्था, मतलब जितने भी सिस्टम हैं इसमें ठोस से संबंधित, वो सब उस वो के सब इसमें रहेंगे। तो इसका पहला लिखो हेडिंग, इसका पहला हेडिंग होगा विरूपक बल। पहला हेडिंग लिख दो विरूपक बल, ठीक है। तो विरूपक बल का मतलब होता है कि वह बल जिसका जिसको लगाने पर उसका रूप और आकार में परिवर्तन हो जाए। जैसे कोई ठोस है उस पर बल लगाया जाए तो उसका आकार और रूप बदल जाएगा। जैसे गोल कोई चीज़ है, अगर गोल पर बल लगाया जाए तो क्या होगा, वो चिपटा हो जाएगा हल्का सा, तो उसका आकार अब आकृति सब बदल जाएगा। वो ये विरूपक बल, यानी बल लगाने पर उसका आकार बदल जाए, वो विरूपक हो जाए, उसी को कहते हैं। तो लिख लो इसका परिभाषा, इसका परिभाषा लिखिए, किसी पिंड पर लगने वाला वह बल, किसी पिंड पर लगने वाला वह बल, किसी पिंड पर लगने वाला वह बल जो पिंड के रूप तथा जो पिंड के रूप तथा आकार जो पिंड के रूप तथा आकार में परिवर्तन कर दे, में परिवर्तन कर दे, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। ऐसे बल को विरूपक बल कहते हैं, ऐसे बल को विरूपक बल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा विरूपक बल, मतलब कि बल लगाने पर उसका आकार और रूप में परिवर्तन हो जाए, जिस आकार का उस आकार में न रहे वो दूसरे आकार में हो जाए, तो उसको हम कहेंगे विरूपक बल। अगला हेडिंग प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, ये प्रत्यानयन बल कहा, इसको लिखिए, किसी पिंड पर, इसका परिभाषा लिख लीजिए, किसी पिंड पर विरूपक बल लगाकर, किसी पिंड पर विरूपक बल लगाकर जब पिंड के रूप तथा आकार में, जब पिंड के रूप तथा आकार में परिवर्तन किया जाता है, रूप तथा आकार में परिवर्तन किया जाता है, तो उसी क्षण पर पिंड पर एक ऐसा बल कार्य करता है, तो उसी क्षण पिंड पर एक ऐसा बल कार्य करता है, एक ऐसा बल कार्य करता है जो विरूपक बल के बराबर, जो विरूपक बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में तथा यह विरूपक बल, अभी इसको समझाते रहे, यह विरूपक बल हटने पर पिंड को उसकी प्रारंभिक अवस्था में, पिंड को उसकी प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयत्न करता, लाने का प्रयत्न करता है, लिख रहे हो साथ में, प्रयत्न करता है, इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं, इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। जैसे विरूपक बल क्या था, विरूपक बल का मतलब किसी पिंड पर लगने वाला वह बल जो पिंड के रूप तथा आकार में परिवर्तन कर दे, ऐसे बल को हम विरूपक बल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाए तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो विरूपक बल हो जाएगा। लेकिन अब है प्रत्यानयन बल, ये प्रत्यानयन बल क्या चीज़ है, जैसे स्प्रिंग आपने देखा होगा ना, स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग पे बल लगाया जाए तो स्प्रिंग में के आकार में परिवर्तन होता है थोड़ा, यानी प्रसार, प्रसार अगर खींचेंगे तो प्रसार होगा, अगर उसको दबाएंगे तो, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रसार में कमी होगी, सिकुड़न होगा, लेकिन जैसे उसको छोड़ देंगे तैसे क्या होगा, वो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो जो अपनी पूर्व अवस्था में आता है और जो पूर्व अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाता है उसी को कहते हैं प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग पे लगता है, जैसे स्प्रिंग हो या कोई ठोस कोई चीज हो, अगर उसको हम खींचने का प्रयास करें, खींच कर कर इसको, जिससे पहले इतना है, अगर खींच करके इसमें प्रसार करें, मान लो कि एक्स प्रसार हो गया, डेल्टा एक्स का प्रसार हो गया, तो पहले इस पर कौन सा बल लगाएंगे, विरूपक बल, और विरूपक बल लगा करके जब इसको खींचेंगे हम, तो इसके आकार में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये,
या कोई ठोस लेंगे उसको प्रेस करेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे ही उसको छोड़ देंगे तो छोड़ने के बाद में अपनी वो पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो जब अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा तो पुरानी अवस्था में आने के लिए जो प्रयत्न करता है उसके लिए बल लगता है, अपनी पुरानी अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा तो अपनी पुरानी अवस्था में लाने के लिए जो बल लगता है प्रयत्न करने के लिए, उसी बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो देखिए इसका परिभाषा है प्रत्यानयन बल का, किसी पिंड पर विरूपक बल लगाकर जब पिंड के रूप तथा आकार में परिवर्तन किया जाता है, बल लगाकर जब हम परिवर्तन करते हैं उसके बाद उसी क्षण पिंड पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो विरूपक बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। क्योंकि जब हम स्प्रिंग को खींचने का प्रयास करते हैं तो स्प्रिंग भी अपने ओर खींचने का प्रयास करता है कि ताकि अपनी पुरानी अवस्था में आ सके, तथा यह विरूपक बल हटने पर जैसे विरूपक बल को हटा लेंगे तो उसके बाद तुरंत बाद क्या होगा कि पिंड को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयत्न करना शुरू हो जाएगा और वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। और जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा तो आने के लिए जो बल लगेगा उसी बल को हम क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल। आगे बढ़ाएं, प्रत्यास्था, किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वस्तु बाह्य बल या विरूपक बल, लिख दो यहाँ ब्रैकेट में, हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है कि बल विरूपक बल लगाने पर जो स्प्रिंग को अगर खींचते हैं हम तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है ना, तन जाता है वो, तो उसको कहेंगे प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ मतलब वो इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक, जिसे रबर आता है रबर को खींचेंगे तो उसमें प्रत्यास्थ कारण तो बढ़ता है, वो स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो भी प्रत्यास्थ कारण बढ़ता है। तो जैसे कोई वस्तु है, इसको हमने खींचा, इसे विरूपक बल लगा करके इसको खींच करके बड़ा किया, तो बड़ा करने के बाद ये बड़ा कैसे हुआ, कैसे तन गया ये, तो ये बड़ा किसकी वजह से, उसी अपने प्रत्यास्था की वजह से। अगर प्रत्यास्था इसमें ना होता तो ये बढ़ नहीं पाता, यानी इसमें तनाव नहीं हो पाता। तो इसीलिए इसमें लिखा भी हुआ है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वस्तु वाह्य बल यानी विरूपक बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसे स्प्रिंग पहले यहाँ पर था, उसको हमने खींचा तो इसमें प्रसार हुआ, और जैसे इसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में। तो इसमें प्रत्यास्था तभी तो पुरानी अवस्था में आ गया, अगर इसमें प्रत्यास ना होता तो खींचे थे तो वहीं पर रुक जाता जा करके, वो मतलब जो धातु है वो बड़ा होकर के वहीं रुक जाता। ये प्रत्यास्त होने की वजह से अपने पुरानी अवस्था में आ गया। तो अगर वो अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर ले तो ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्था कहेंगे। हम जो प्रत्यास्त वाली वस्तुएं हैं यानी ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्त वस्तुएं, मतलब ये तनाव वाली वस्तुएं हैं, इसको हम खींचेंगे तो ये बढ़ेगा भी और विरूपक बल हटाएंगे तो ये अपनी पुरानी अवस्था में आ भी जाएगा। तो इसके गुण को हम प्रत्यास्था कहेंगे और ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्त वस्तुएं कहेंगे। प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। ये जो प्रत्यास्था है इसके आधार पर दो प्रकार की वस्तु हैं। प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार कौन सा होगा, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, और दूसरा होगा प्लास्टिक वस्तुएं। तो टोटल दो प्रकार की होती हैं। पहला है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, जो पूरी तरह से प्रत्यास्थ भी हो जाती हैं और जब विरूपक बल हटाएंगे तो अपनी पूर्व अवस्था में आ भी जाएगा वो। प्लास्टिक वस्तुएं का मतलब है कि जब विरूपक बल लगाएंगे तो वो खींच जाएगा, लेकिन विरूपक बल हटाने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता, वो वहीं के वहीं जाकर रुक जाता है, यानी उसके अपना नया रूप प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं हम प्लास्टिक वस्तुएं। तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे अलग अलग। इसका परिभाषा क्या क्या है, पहला नंबर है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं का वह सभी वस्तुएं जिनसे विरूपक बल हटाने पर यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती है,
पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती है, पूर्ण प्रत्यास्त वस्तुएं कहलाती हैं, पूर्ण प्रत्यास्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हाथी दांत, क्वार्टर्स, और एक है फास्फोरस ब्रांज, फास्फोरस ब्रांज, दूसरा क्या है प्लास्टिक वस्तुएं। प्रत्यास्था के आधार पर जो वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की हैं। पहला है पूर्ण प्रत्यास वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास का मतलब वह सभी वस्तुएं जिससे विरूपक बल हटाने पर यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हाथी दांत हो गया, क्वार्टर्स हो गया, फास्फोरस हो गया, और ब्रांज, फास्फोरस ब्रांज हो गया, ये दोनों एक ही हैं, फास्फोरस ब्रांज। अब इसमें स्प्रिंग भी आ जाता है और रबर भी आ जाता है। ये ऐसी वस्तुएं हैं कि जिनको हम प्रत्यास्थ करेंगे, ऐसे विरूपक बल लगा करके खींचेंगे अगर, तो इसमें प्रसार तो होगा, लेकिन जैसे ही विरूपक बल हटा देंगे तैसे अपनी ये पूर्व अवस्था में आ जाएगी। तो इसको कहेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, यानी जब तक विरूपक बल लगेगा तब तक तना रहेगा, विरूपक बल हटाएंगे तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा ये। ऐसे दूसरा है प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक वस्तुएं का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिससे विरूपक बल अगर हटा लिया जाए तो वो अपने पुरानी अवस्था में नहीं आ पाएगी, नया अवस्था वो प्राप्त कर लेती है, वो कहलाती है प्लास्टिक वस्तुएं। जैसे गीली मिट्टी, मोम, अगर गीली मिट्टी को खींचा जाए तो क्या होगा, वो गीली मिट्टी को अगर खींचेंगे तो अपना नया अवस्था बना करके उसी पर रुक जाएगा, पुरानी अवस्था में नहीं आ पाएगा। इसी तरह से मोम भी है, अगर मोम को खींचेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन वैसे रुक जाएगा, वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो ये है प्लास्टिक वस्तुएं और पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं।